हेलो एवरीवन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सुप्रभात आप लोगों को और वापस एक बार और हमारी मुलाकात एक्चुअली शुरुआत होती है इन दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ज्योग्रफी जिसमें आज हमारी बात होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल को लेकर के चलिए तो फटाफट काफी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए ताकि कल जो होने वाला एग्जामिनेशन है उसमें आप लोगों को काफी कुछ हेल्प मिलेगी यहाँ पे सो so, एक्चुअली बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी सभी लोगों से निवेदन है फटाफट जल्दी जल्दी आकर के इस पर्टिकुलर सेशन में ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ा देते हैं ओके okay, और बहुत जल्दी एक्चुअली मैं चाहूंगा कि बिना कुछ इधर उधर की बातें करे फटाफट एक्चुअली हम लोग

इसी यहाँ पर YouTube के चैनल में हमारी शुरुआत होती है तो सबसे पहली क्लास आपको सुबह 8 बजे जो है वो टेस्ट सुपर कोचिंग पर आपको मिलती है ज्योग्राफी की जो आपका दिन गुड्डे गुड्डे बना देता है तो अपने दिन को हमेशा गुड्डे गुड्डे बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर जुड़ना बहुत जरूरी है इसके अलावा शाम के समय मेरे पास में मंडे टू फ्राइडे आप जुड़ते हो दैट इज ऑन ओके टास्क बुक ऐप सो बिल्कुल भी यहां पर ये सारे के सारे सेशंस ज्वाइन करना ना भूलें और मैं आपको बता दूं एक जबरदस्त तरीके का यहां पर हमारे पास वो माहौल हम शुरू कर रहे हैं और माहौल क्या है फाउंडेशन कोर्स सो फटाफट एक्चुअली देखिएगा जरा एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए या फिर अगर आप चाहे किसी भी तरीके के टीचर्स के अगर हम कहें तो ज्योग्रफी के सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं आप तैयारी करना चाहते हैं है, so है, जहां पर आपको, के पूरे आपको मिलती है, बिल्कुल से स्टार्ट करेंगे, आप है कि फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन के लेवल तक एंड देन रिसर्च स्कॉलर के लेवल तक पहुंचाएंगे तो यहां पर सिर्फ इतना चलेगा कि अब की बार एफ यस एग्जैक्टली तो इस पर्टिकुलर बैच को बिल्कुल नहीं

और सुकृति है सममता ममता है रेणु है बहुत बढ़िया कुसुम बहुत अच्छे अमृता राधा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ओके वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुपर भारत सभी लोगों को आई एम जस्ट कंटिन्यू मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और देखिएगा जरा आज का सेशन हमारे पास में इंडियन जियोग्रफी रिविजन भारत के भूगोल पर आज हमारी बात होने वाली है तो मैं तेजी से शुरू कर रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी यहां पर लेट ना हो आप सभी लोगों ने मैं ऐसा यहां पर मानकर चलता हूं कि अपना अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड पर काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखिएगा तो आप लोग एक्चुअली जब भी यहां पर्टिकुलर ओके आपने जैसे ही डाउनलोड कर लिया होगा तो डाउनलोड करने के

ओके okay, सिस्टर का एग्जाम है शायद मैं तो सर एग्जाम सेंटर पे हूँ बहुत बढ़िया क्या बात है एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए हो क्या बात है बढ़िया शायदा दैट्स गुड एग्जाम तो कल है भाई लेकिन इतने जल्दी ओके okay, ओके okay. चलो भाई टाइम इज ओवर समय निकल चुका विशा का पतनम इज द करेक्ट रिस्पांस ओके दैट इज एक्चुअली ऑन द वार्ड विशाखापतन अगर हम कहें तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा okay, हमारे पास में आता है, सबसे बड़ा आता है। और साथ ही साथ है।, है विजाग और शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाता है कि पोत निर्माण और उसके रख रखाव का, का काम किया जाता है हाई विनोद वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात लीजिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर टू दूसरा प्रश्न आपके सामने इंडिया इज ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल Known for its extensive reserves in the states of Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आपको बताना है कोल कोयला आयरन और लोह बॉक्साइड या फिर गोल्ड मतलब सोना चलो भैया फटाफट 15 सेकेंड के साथ में जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स शुरू कीजिएगा प्लीज बहुत अच्छे बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट फटाफट ओके जल्दी जल्दी सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा क्या बात है क्या बात है एंड द आंसर हियर देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या है

रखा होता तो फिर एक्चुअली इस समय हमारे पास में क्वांटिटी कोयले की ज्यादा बढ़ जाती ओके okay, कोयले की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती लोहे की कम हो जाती लेकिन क्योंकि यहां पर इन्होंने झारखंड को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को रखा है इसलिए यहाँ पर आयरन यानी की क्वांटिटी बढ़ गई है है ठीक ना ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर द गोल्डन क्वार इन इंडिया रेफर टू भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज का तात्पर्य क्या है Okay. Hi, morning, route, एक लोकप्रिय पर्यटन मार्ग नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड ट्रेन स्पीड ट्रेनों का एक नेटवर्क है okay. प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो की एक प्रणाली है या फिर रिच इन गोल्ड डिपॉजिट्स सोने के भंडार से समृद्ध क्षेत्र है ठीक है चलिए भाई आपको देना है 15 का आपके पास में है. जल्दी जल्दी रिस्पांस कीजिएगा बहुत बढ़िया बहुत शानदार हाय पूजा वेरी गुड मॉर्निंग हेलो जुल्फिकार जी टाइम इज ओवर देखिएगा समय निकल चुका और यहां पर आंसर में देख सकते हैं कि यहां पर क्या है

which of the following is a major inland water way in india that plays a crucial role in the transportation of trade निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख अंतरदेशीय जलमार्ग है जो परिवहन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओके okay, जो परिवहन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओके okay, आपको देना है रिस्पांस ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी यमुना नदी या गोदावरी नदी ठीक है चलो भाई फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से फिफ्टीन सेकेंड्स का टाइमर आपके साथ में है ओके दैट्स गुड सो ग्रेट बहुत बढ़िया बहुत शानदार हाय अनन्या अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको फटाफट रिस्पॉन्स कीजिएगा जल्दी से हेलो अनु वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टाइम इज ओवर समय निकल चुका गंगा रिवर ज द करेक्ट रिस्पांस गंगा नदी की यदि बात कर सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड की यहां परिवहन और व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओके दैट्स गुड सो एक्चुअली हमारे पास में सबसे एक्सटेंसिवली कौन सा गंगा गंगा पर रिवर गंगा नदी का हम यहाँ पर ज्यादातर यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए चलते हैं आगे हेलो अनु वेरी गुड मॉर्निंग अगला क्वेश्चन फाइव पांच और प्रश्न है द द टर्म वेस्टर्न टू मेजर माउंटेन रेंज अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया व्हाट इज द अदर नेम पश्चिमी घाट शब्द भारत के पश्चिमी तट के साथ एक पर्वत प्रमुख पर्वत श्रृंखला को संदर्भित करता है इसका दूसरा नाम क्या है सहयाद्री माउंटेन सहयाद्री पर्वत ईस्टर्न घाट घाट पूर्वी अरावली रेंज अरावली पर्वतमाला नीलगिरी हिल्स नीलगिरी पहाड़ी ठीक है चलो भाई यहां से जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा वापस एक बार और एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन सभी लोगों से निवेदन भी है तेजी से, से सेशन को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा ओके okay, आज मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का समय कम से कम ले लिया जाए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपके साथ में शेयर okay, बहुत, बहुत बढ़िया और यहाँ पर एवरीबडी ऑफ यू गिवन द रिस्पॉन्स करेक्टली बहुत शानदार जबरदस्त अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स छठवा प्रश्न द ग्रेट इंडियन बस्टर्न क्रिटिकली एंडेन्जर्ड बर्ड स्पेसिज इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है ठीक है आपको देना है रिस्पॉन्स वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट थार डिजर्ट थार का रेगिस्तान सुंदरबन और फिर हमारे पास में आता है ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय ठीक है चलिए फटाफट जल्दी से गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी दैट्स गुड एंड हियर यू सी द द आंसर इज डेजर्ट क्या बात है बहुत बढ़िया थार डेजर्ट थार का मरुस्थल बिल्कुल सही रिस्पांस किया है ये राजस्थान में मिलने वाला एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली बर्ड हमारे पास में है विच इज आल्सो गोइंग टू बी गेट एक्चुअली अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट

उद्योग में अपनी प्रमुखता के कारण किस शहर को अक्सर भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है सिलिकॉन घाटी ठीक है यहाँ लीजिएगा प्लेस चेन्नई हैदराबाद बांगलुरु और फिर आपके पास में है पुणे ठीक है चलो भाई जल्दी से फिफ्टीन सेकंड्स का टाइम आपके पास में है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया एंड टाइम इज ओवर समय निकल चुका बैंगलुरु इज द बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी नो वेल सभी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू ओके देखिएगा भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना निम्नलिखित में से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी क्या चीज आप लाइफ प्रोटेक्शन संरक्षण फॉरेस्ट वन संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण और वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट जल संसाधन प्रबंधन ठीक है चलिए गो ऑन एंड गिव द रिस्पांस फास्ट तेजी से तेजी से रिस्पांस कर दीजिएगा फास्ट 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 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंडर्वेशन पर्यावरण संरक्षण शानदार बहुत बढ़िया एवरीबडी बहुत अच्छे क्वेश्चन विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ इंडियन रैनरो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गेंदों की आबादी के लिए जाना जाता है और यूनेस्को वितरित धरोहर में शामिल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कांजीरंगा नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क चलो भैया फटाफट जल्दी से गो ऑन फिफ्टीन सेकंड्स का टाइम आपके पास में एक बार और बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिएगा जरा पर समय निकल चुका सभी लोगों ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स exactly बिल्कुल सही एकदम शानदार ओके अगला प्रश्न आपके पास में क्वेश्चन नंबर ऑफ इंडिया रॉक्स भारत का दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है ओके okay, आपको देना है इग्नियस आग्नेडिमेंट्रीची मेटामॉर्फिक रूपांतरित उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है चलिए फिफ्टीन सेकंड्स का टाइमर इज फॉर यू बिल्कुल अनन्या वेरी गुड वेरी गुड लेट्स सी नाउ द टाइम इज ओवर बहुत अच्छे इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही एवरीबॉडी हैव गिवन द रिस्पांस करेक्टली अगेन बहुत शानदार चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अगला प्रश्न आपके सामने इलेवन फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया प्रोडक्शन भारत में, में से कौन सा राज्य अपने महत्वपूर्ण हीरे उत्पादन के लिए जाना जाता है हीरा का उत्पादन ठीक है राजस्थान झारखंड मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ चलो गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स नाउ फटाफट रिस्पॉन्स कर दीजिएगा

Okay, okay, राज्य मुख्य रूप से पूर्वी घाट से आच्छादित है ओके okay, आपको देना है रिस्पॉन्स वेस्टर्न बंगाल पश्चिम बंगाल okay, ओके उड़ीसा आंध्र प्रदेश या फिर केरला ठीक है चलिए भाई देंगे रिस्पॉन्स फटाफट फट्ट फिफ्टीन सेकंड में फिर एक बार और बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। रिक्वेस्ट अगेन, फिर एक बार और बोलना चाहूंगा लगा दीजिए फटाफट अंगूठे पे अंगूठा एंड शो योर अटेंडेंस क्योंकि अब की बार अगर करना है जे आर एफ पार सो so, बहुत जरूरी है कि दरअसल ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे हम लोग इस सेशन को ओके okay, अटेंड और जितना ज्यादा हो सके उसको करेंगे शेयर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया फटाफट जल्दी से ये हो गया टाइम ओवर और आंसर देखिएगा जरा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंध्र प्रदेश नेम वेलीकोंडा याद है यहां पर पूर्वी घाट श्रृंखला को वेलीकोंडा के नाम से पुकारा जाता है

पंद्रह सेकंड का समय आपके साथ में है चलो चलो जल्दी से हाय प्रियंका वेरी गुड मॉर्निंग दैट्स गुड टाइम इज ओवर समय निकल चुका बी इज द रिस्पांस करेक्ट बहुत शानदार कृषि एकदम सही रिस्पांस है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सो एक्चुअली इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेड बकेट और ग्रेनरी ऑफ इंडिया इसे भारत का रोटी का या फिर कैसे हैं इसे इंडियन सबकॉन्टिनेट क्रिएटिंग जोग्राफिकल फीचर कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से पहले एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है जो एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता का निर्माण करती है आपको आंसर करना है यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी या फिर नर्मदा ठीक है चलो गो फास्ट चलो फटाफट रिस्पॉन्स करो जल्दी से और देखिएगा टाइम इज ओवर आंसर इज़ द डी नर्मदा वेरी करेक्ट आंसर

डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफन रेफर टू हीरे की कटाई और पॉलिशिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जिसे अक्सर डायमंड सिटी भी कहा जाता है ओके दैट्स गुड आपको आंसर कीजिएगा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ठीक है चलो देना है रिस्पॉन्स फटाफट 15 का टाइमर आपके पास में 15 सेकंड का समय है जल्दी से रिस्पॉन्स गुड बहुत बढ़िया और अभी तक भी अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा फास्ट 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 ओके अटेंडेंस लगा दीजिएगा ताकि फिर ना कहना okay, थे और देखा नहीं आया बात बहुत बढ़िया टाइम इज ओवर बी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स गुजरात एकदम शानदार दैट इज ग्रेट ओके गुजरात में एक्चुअली हमारे पास में जो सिटी है इसका नाम है अहमदाबाद ठीक है दैट इज वॉट अहमदाबाद सिटी जिसे हम यहाँ पर डायमंड सिटी के नाम से भी पुकारते हैं बहुत बढ़िया दैट गुड सो ओके चलते हैं आगे अगला प्रश्न आपके पास में है ओके okay, चलिए देखिएगा जरा एक्सट्रीमली ओके दैट्स गुड बहुत अच्छे देखिएगा जरा इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसिजेड आर प्राइमरली एम्ड एट प्रमोटिंग भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र एसिजेड का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है किसको बढ़ावा देना है इज इट क्लियर दैट्स गुड आपको आंसर करना है यस एग्जैक्टली दैट वाज नॉट द ओके यहां पर बात कर सकते हैं अहमदाबाद इज फेमस फॉर द ओके दैट इज कॉटन टेक्सटाइल मिल यानी कि यहां पर ओके अहमदाबाद इज आल्सो कॉल्ड यहां पर सुनिएगा जरा यहां मैंने जो अहमदाबाद लिखा हुआ है गुजरात में दैट इज आल्सो एक्चुअली फॉर द ओके कॉटन टेक्सटाइल यानी कि

इंडियाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर प्राइमरली एम्ड एट प्रमोटिंग भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है किसको ओके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण का संरक्षण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि कृषि का विकास करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी ओरियंटेड निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण बुनियादी ढांचा ठीक है दैट्स गुड सो ग्रेट चलो भैया 15 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है जल्दी से रिस्पॉन्स किएगा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत अच्छा चलिए 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 फटाफट 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 फटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे बहुत अच्छे एंड लेट सी हियर देखिएगा जरा यहां पर आप देख सकते हैं सी बिल्कुल कर रिस्पॉन्स ओरिएंटेड ओके okay, यानी कि इसे हम निर्यातन मुख्य उद्योग के लिए प्रयोग करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हमारे इंडिया में अराउंड टू कि वर्ष 2000 में इसे प्रस्तुत किया गया था थ्रू एन एक्ट यानी कि एक अधिनियम के माध्यम से इसके बाद से हमारे पास में एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देने की बात की गई थी चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अगला प्रश्न आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ बेंगोल टाइगर्स एंड इज नोन एज द टाइगर डैन राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बंगाल बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है और इसे टाइगर डैन के रूप में भी जाना जाता है टाइगर डैन के रूप में भी जाना जाता है आपको देना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट रणथम्बोर नेक्स्ट केवला देव नेक्स्ट डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ठीक है चलो भैया यहां से जल्दी 15 सेकंड्स का टाइमर आपके पास में एंड यू ऑल हैव टू है

अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र के लिए जाना जाता है और देश में बांस के उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है ठीक है आपको देना है रिस्पांस मध्य प्रदेश केरला पंजाब या फिर बिहार ओके गो ऑन इन फास्ट फटाफट जल्दी 15 सेकंड्स के टाइमर आपके पास में है जल्दी से रिस्पांस कर दीजिएगा वेरी गुड वेरी ग्रेट बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलने दो चलने दो चलने दो आंसर करते जाओ एंड हियर द टाइम इज ओवर समय निकल चुका ए मध्य प्रदेश बिल्कुल शानदार एकदम बढ़िया बहुत जबरदस्त एवरीबॉडी हैव गिवन द रिस्पांस बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओके भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है ओके okay, पुडुचेरी लक्षद्वीप चंडीगढ़ या दादर नागर हवेली और दीव ठीक है चलो आपको देना है रिस्पॉन्स फटाफट जल्दी फिफ्टीन सेकेंड पंद्रह सेकंड के अंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो ग्रेट शानदार मानना पड़ेगा And here the time is over, समय ने कर चुका लक्षद्वीप क्या बात है है राजू लेकिन उन्होंने भी बाद में जाकर के अपना कर दिया जब देखा कि भीड़ बोल रही है, तो हम है अलग चले तो हम भी यहां पर कह देते हैं डी सो so, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं एक्चुअली यहां पर जो करेक्ट आंसर व्हाट लक्षद्वीप में बिल्कुल सही यहां पर ओके okay, हमारे पास में आता है दैट इज मैक्सिमम क्या है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इट क्लियर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हमारे पास में देखने को मिलती है चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत बढ़िया शायद जबरदस्त नेक्स्ट द री देखिए रिहंद डेम आल्सो नोन एज द गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर रिहंद बांध जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है किस नदी पर बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है आपको आंसर करना है गंगा यमुना सोन और ब्रह्मपुत्र ठीक है चलिए गो ऑन एंड गो फास्ट फटाफट फिफ्टीन सेकंड पंद्रह सेकंड का समय देना है जल्दी से आपको एंड हियर द सन बहुत अच्छे स so, सोन रिवर यानी कि सोन नदी बिल्कुल सही है दस रिवर सोन इज ऑल्सो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक

और जे की तैयारी के साथ साथ आपके सीयूटी अगर हम कहें तो प्रिपरेशन अगर आपको करनी हो अगर आप सपोज किसी भी टीचर्स की एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना चाहते हैं किसी भी अगर हम कहें तो ऐसे एग्जाम को जहां पर आपकी जोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दैट इज द करेक्ट प्लेस बिल्कुल सही स्थान है जहां पर आपकी तैयारी होती है बड़ी जबरदस्त वाली और आपकी बार डेफिनेटली हो जाएगा जे आर एफ सो हमारे साथ में इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और अभी तक भी अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है

वेरी गुड मॉर्निंग लेकिन मैंने काफी फास्ट और आज की क्लास को मैंने जल्दी से फिनिश किया ताकि आप लोगों का ज्यादा समय न लिया जाए है ना दैट्स गुड बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए तो आज का सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं लेकिन आप लोगों को तो आपके साथ में मुलाकात मैं करूंगा तो मॉर्निंग का कल का सेशन मेरे साथ में ज्वाइन कीजिएगा और इवनिंग में फिर यहाँ पर हमारे पास में डिस्कस करते हैं मैंने आप लोगों के साथ में एक छोटा सा यहाँ पर बात करते हैं कि दरअसल कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक यहाँ पर ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन यानी कि आपके परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करो और आप लोग एक्चुअली इंडिविजुअली मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन और द डिस्कशंस किसी भी यहां पर जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप में बने रहेगा मेरे साथ में एक्चुअली आई विल से फिर एक बार कहना चाहूंगा दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर ओके okay, यहां आए तो फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं so है को लाइक like करते करते चले जाना सेशन को लाइक like करना बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो प्लीज डू लाइक द सेशन एवरीबडी जिसने भी अभी तक नहीं किया ओके okay, गुड राजू मेरा सेंटर बहुत दूर है सो so, प्लीज समय से निकल जाना टाइम से निकल जाना इसमें एक्चुअली यहां पर किसी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉपरली समय से निकलना बहुत जरूरी है चलो ऑल द बेस्ट यू ऑल बहुत अच्छे बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट के साथ में हैव अ गुड डे और जबरदस्त तरीके से तैयारी यस बाय